पुष्पा कितना लेगी एक रात का? पुष्पा नाम सुन के लड़की समझाए क्या? लड़का है मैं। सॉरी भाई, गलत जगह फोन लग गया। चल फोन रख। पुष्पा को सब लड़की समझ लिया साला। कौन था भाऊ? पता नहीं कौन था साला। जल्दी। ओ भाऊ, इसको जमीन खरीदने का था। अच्छा बताओ, कौन सा एरिया का जमीन चाहिए तेरे को? वो जो आपका फैक्ट्री का पीछे वाला जमीन है ना भाऊ, वही हमको चाहिए। अच्छा चल, 12 लाख रुपए निकाल। 12 लाख? 10 लाख में दे दो ना भाऊ। पुष्पा, पुष्पा राज, 12 लाख से कम में जमीन बेचेगा नहीं साला। लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं भाऊ। तो चल निकल यहाँ से साला। ओ भाव, मेरे को एक सवाल पूछ रहा था तेरे से। हाँ बेटा पूछ। ये गले में कैसे करते रहते हो आप? खुजली हो गया साला। तो मैं खुजा दूँ क्या? हाँ साला। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है, ये इधर भी होती है, ये उधर। ये कौन है रे? ये कैमरा मैन है भाव, इसको मैंने बुलाया। किस लिए? वो आपने 50 लाख का जमीन खरीदा है ना? हाँ। उसके एग्रीमेंट के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ओ अच्छा अच्छा, चल चल खींच 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 खींच, गोरा खींचना। ठीक है ठीक है भाऊ। थोड़ा सीधा हो जाओ, सीधा थोड़ा और सीधा हो जाओ, सीधा। अब ऐसा ले कंधा तो सीधा कर। ये पुष्पा राज का कंधा है, कभी सीधा नहीं होगा साला। अरे देखना मेरा फोटो कैसा आया। काला आया बहू। काला आया? तू किस खुशी में खुश हो रहा है? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि मेरा फोटो काला आया। अबे तू काला तो काला ही ना आएगा। चल मैंने माना कि मेरा फोटो काला आया, लेकिन तू बोल देता कि मेरा फोटो गोरा है तो तेरा क्या जाता? कम से कम 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा, लेकिन अपने दिमाग में आया नहीं था भाव। हाँ, दिमाग में क्यों आता? इससे मेरा फोटो पे 4-5 लाइक आ जाता, मैं फेमस हो जाता, मैं स्टार बन सकता था। तुम नहीं सुधरेगा। तेरी झलक शर्फी रिंग टून है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आज शाम 4 बजे आ जाना। ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक रख। लाइसेंस कहाँ है तेरा? पुष्पा, पुष्पा राज, मैं लाइसेंस दिखाएगा नहीं साला। क्यों नहीं दिखाएगा बे? क्योंकि है ये नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है? ए गाड़ी जब्त कर, इसकी गाड़ी जब्त कर। पकड़ो। ए साहब, लाइसेंस लेके आता हूँ ना मैं। लेके आप थाने। गाड़ी तो गई, अब चलो पैदल। मैं आया था गाड़ी में बैठ के और जाएगा भी गाड़ी में। ये गाड़ी कितने का आती है? यही कोई 1 लाख की। ये ले 10 रुपए, जा एक और लेके आ। 10 रुपए? चल जाके लेके आना। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। गाड़ी कहाँ है बे? नीचे नीचे। ये गाड़ी है तो 10 रुपए में इतना ही बड़ा गाड़ी आएगा। बैठिए। मैं झुकेगा नहीं साला। Oh,
चल यहाँ अपना बोर्ड गाड़। लेकिन ये तो पुष्पराज का जमीन है। पुष्पा हो या पुष्पराज, जिस जमीन पर कोंडा रेड्डी पैर रखता है वो जमीन कोंडा रेड्डी का हो जाता है। चल बोर्ड गाड़। तेरे को ये जमीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जमीन पुष्पा राज का है। इतना बड़ा जमीन? हाँ भाऊ, इतने बड़े जमीन का आप करोगे क्या? ये जमीन में बाथरूम बनाएगा। इतना बड़ा जमीन में बाथरूम बनाओगे? हाँ। कितना हकता है रे? पुष्पा, पुष्पा राज एक दिन में 10 किलो हकता है साला। जा लोटा ले गया। हेलो भाऊ, चलता है मैं। कहाँ जा रहे हो भाऊ? हगने जा रहा हूँ साला। ए भाऊ, बहुत बोलते थे झुकूंगा नहीं झुकूंगा नहीं, अब तो झुकना पड़ेगा। अरे ये सब काम में झुकना चाहिए? तू नहीं समझेगा। केशव, हाँ ये जो जमीन दिख रहा है ना, हाँ ये भी जमीन बहुत जल्द अपना होने वाला है। अच्छा भाऊ? हाँ, और अब पुष्पराज दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार कहलाएगा। तेरी झलक शर्फी श्रीवली नैना मदक बर्फी। रिंगटोन है। हेलो, कोंडा रेड्डी ने पुष्पराज के जमीन पे कब्जा कर लिया है। अच्छा पुष्पा भाऊ, आपके जमीन पे कोंडा रेड्डी ने कब्जा कर लिया। अच्छा पुष्पा के जमीन पे कब्जा। कोंडा रेड्डी अब मार खाने के लिए हो जा रेडी। कोंडा रेड्डी, जिस जमीन पे तूने बोर्ड गाड़ा है वो जमीन पुष्पा राज का है। कोंडा रेड्डी जिस जमीन पे पैर रख देता है वो जमीन कोंडा रेड्डी का हो जाता है। पुष्पा, पुष्पा राज जो मेरा जमीन में पैर रखेगा उसका पैर काट डालेगा साला। देख क्या रहा है, जा साला को मार के उसका कंधा सीधा कर दो। आ जाओ साला। नाम सुन के लड़की समझा है क्या? लड़की नहीं, लड़का है मैं।